खतरों के खिलाड़ी में रिद्धिमा पंडित टॉप थ्री तक पहुंच गई थी, ये तो आप जानते ही होंगे। जी हाँ, टॉप थ्री तक आ गई थी रिद्धिमा, जहां फिलहाल टॉप सिक्स हैं अली गोनी, भारती सिंह, आदित्य नारायण, पुनीत, शमिता शेट्टी और खुद रिद्धिमा पंडित। इन टॉप सिक्स में अब भारती सिंह के एलिमिनेट होने की खबरें हैं, जिसके बाद बाकी के कंटेस्टेंट्स बन जाएंगे टॉप फाइव, और फिर टॉप फाइव में से अली और शमिता होंगे बाहर, जिसके बाद टॉप थ्री होंगे रिद्धिमा, पुनीत और आदित्य नारायण। वेल, वही टॉप थ्री के बाद रिद्धिमा पंडित खतरों से बाहर हो जाएगी। जी हाँ, रिद्धिमा की खतरों की जर्नी टॉप थ्री की ही होगी। इसी बीच सोशल मीडिया पर रिद्धिमा पंडित का एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो वीडियो जो शो के खत्म होने के बाद रिद्धिमा के एलिमिनेट होने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। जरा सुनिए अपने एलिमिनेशन के बाद रिद्धिमा ने क्या कहा था। हेलो एवरीवन, एज यू ऑल नो, खतरों के खिलाड़ी हैज रैप्ड अप फाइनली आफ्टर मोर देन अ मंथ, और बहुत मजा आया ये शो करके। काफ़ी सारी चीज़ें सीखी है, काफ़ी फोबियाज को मैंने ओवरकम किया है, और ये जर्नी ऐसी है कि मैं अपनी पूरी लाइफ में नहीं भूलूंगी। और अगर मुझे कभी कोई पूछेगा कि ये शो करना चाहिए कि नहीं, तो मैं कहूँगी ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये शो करने के बाद आपकी लाइफ बदल जाती है, आप खुद बदल जाते हैं। जैसे कि मैं, मेरे काफ़ी सारे जो डर थे, आई हैव मैनेज टू ओवरकम देम, एंड अब घर से दूर ज़्यादा रहा नहीं जाता और वक्त बहुत हो गया, सो कैन नॉट वेट टू बी बैक होम, बट आई कैन नॉट वेट फॉर यू ऑल टू वॉच इट एज वेल, सो फिंगर्स क्रॉस्ड, आई एम श्योर यू गोना लव इट। वेल, रिद्धिमा को उम्मीद थी कि आप लोग इस शो को बेहद प्यार देंगे, और ऐसा हो भी रहा है। जब से खतरों शुरू हुआ है, तब से टीआरपी के मामले में टॉप वन पर है, लेकिन फिलहाल टक्कर आदित्य नारायण और पुनीत के बीच है। आप इन दोनों में से किसे खतरों की ट्रॉफी अपने हाथों में पकड़े देखना चाहते हैं? कमेंट कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए अपना ओपिनियन। देखते रहिए फाइनल कट न्यूज, फाइनल कट एंटरटेनमेंट डेस्क। मनोरंजन से लेकर राजनीति तक, अजब गजब से लेकर ऐतिहासिक तक, हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें।